हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की खस्ता कचौरी और सब्जी, तो बिल्कुल बाहर वाले स्टाइल में। तो हम पहले चलते हैं, अपने कचौरियों का आटा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लिए 500 ग्राम मैदा और गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना हो ताकि हमारा डो अच्छे से रेडी हो। सो अभी हम डालने वाले हैं घी। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, आप अपने मैदा के अनुसार घी डालें। सो अब हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमने पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है जो हमने घी डाला है मैदा में। और अब हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और अपने डो को रेडी करना शुरू करेंगे। तो हमने पानी धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अगर एक साथ डाल देंगे आप पानी तो हमारा डो ख़राब हो जाएगा और जैसा हमें चाहिए परफेक्ट वो वैसा टेक्सचर आएगा ही नहीं, और हमारी कचौड़ियाँ या तो फटेंगी या फिर फूलेंगी नहीं। इसलिए हमने ऐसा डो रेडी करना है एकदम जो हमारी कचौड़ी एकदम अच्छी फूली फूली बने। अभी जो हमने डो अपना रेडी किया था वो बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी लगा के और इसको ढक के रख देंगे जब तक हम अपने आलू रेडी करते हैं। तो मैंने लिए 3 आलू करीब, हमने इसको बॉईल कर लिया था पहले ही। अब हम इसको मैश करेंगे। हमने इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसको तोड़ना है ताकि ये अच्छी बने इसकी सब्जी और थोड़े थोड़े आलू आए। हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके जितना हमने अपनी सब्जी में डालना है, जितने हमने शुरुआत करना है अपनी सब्जी में, इतना हम इसमें पानी डाल के रख देंगे आलूओं में। फिर हमने ऑयल डालना है अपनी कढ़ाई में। लाल मिर्च और जीरा डालूंगी मैं, इसको अच्छे से पहले भून लूंगी। अब मैं ऐड करूंगी इसमें तेजपात के पत्ते। तो अभी क्रश किया हुआ हमने थोड़ा सा धनिया डालना है, इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं किसी चीज़ में। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च और लौंग। मैंने डालना है इसमें थोड़ी हल्दी। अब ऐड करेंगे थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च। मैं इसको स्पाइसी बनाने वाली हूँ तो मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, आप चाहें तो अपने घर के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार।
इसको अच्छे से भून लेना है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, करीब 1 कप के अनुसार। उससे हमारे मसाले भुनेंगे अच्छे से और जलेंगे नहीं। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाले जल जाएंगे हमारे सारे सारे, इसलिए थोड़ा ही पानी ऐड करना है हमने। इसको अच्छे से भूनना है। अब हम ऐड करेंगे जो हमने आलू फोड़ के रखे थे। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारी सब्जी। हमने वही आलू के पानी डालना है जो हमने आलू में डाल के रखा था, वो हमारी सब्जी के हिसाब से बिल्कुल पूरा पड़ जाएगा। तो इसको हमने ढक के पकाना है। अब हम चेक करेंगे। देखें कितनी अच्छी हो गई है और बिल्कुल सेम बाहर जैसी लग रही है, जैसे हम बाहर से कचौड़ियाँ लाते हैं उसकी सब्जियाँ होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ऐड करना है हमने इसी स्टेज पे आके। और थोड़ा अमचूर पाउडर, और मैंने हींग पहले ही एक कटोरी में भिगो के रख दी थी ताकि उसकी और अच्छी स्मेल आए और अच्छा टेस्ट आए। तो अभी हम हींग का पानी डालेंगे। आप चाहें तो हींग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइप से ज़्यादा अच्छी समझती हूँ, तो मैं ऐसे भिगो के रख देती हूँ पहले ही, फिर हम इसको डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें बिल्कुल सेम वही बाहर वाला लग रही है, एकदम जितने हमें चाहिए थी उतनी थिक हो चुकी है ये। अभी हम थोड़ा सा और अमचूर पाउडर डाल लें। आप अपने हिसाब से इसको खट्टा कर सकते हैं, चाहे तो आप कम डालें अमचूर पाउडर या ज़्यादा। अमचूर पाउडर से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है और खट्टा ना पन सा आता है। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप है, हम कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी एकदम रेडी है पक के। देखें बिल्कुल बाहर जैसी लग रही है, इसकी स्मेल माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही है, इसकी खुशबू। तो अभी हम रेडी करेंगे अपने कचौड़ियों का आलू। मैंने बर्तन रख लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब हम जीरा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लें। थोड़ा सा धनिया डालना है हमने। अब हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट ली थी, करीब 3 मिर्चें, और थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये हमने पहले ही कूट के रख लिया था। तो अभी हमने जीरा डाला है पिसा हुआ और हींग। इसको अच्छे से भून लेंगे
और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू जो हमने कूट के रख लिए थे, मैश करके रख लिए थे। इसको हमने अच्छे से मैश करना है, एकदम बारीक करके, क्योंकि हमारी कचौड़ी फटनी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल साबुत कचौड़ियाँ चाहिए फूली फूली, इसलिए हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। गरम मसाला, थोड़ा अमचूर पाउडर, लास्ट कसूरी मेथी। हम इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसको हमने गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा पूरा, इसलिए स्लो स्लो पे इसको अच्छे से मिक्स कर ले, पका ले। देखिए ये हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। जो हमने डो रेडी किया था वो अब बिल्कुल तैयार है, देखें कितना अच्छा हो गया। हमने अपने छोटे छोटे ये बना के रख लिए हैं, अपने पेड़े के अनुसार हमने सब चीज़ें रेडी करके रख लिए हैं, हमने बस लेना है और भरना है। देखें इस टाइप से, ये देखें, इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे, बीच में रखेंगे इसमें एक, इसको इस तरीके से बंद करना है, और ये हमारी पिट्ठी तैयार। हम सारी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, हमने धीरे धीरे हाथों से बेलना है, टाइट बेलेंगे तो ये चिपक जाएगा, हमने हल्का हल्का फेरना है। हम सारी इसी तरीके से बेल बेल के रख लेंगे। देखिए हमारा तेल हो चुका है गरम, अब इसमें हम कचौरियाँ डालनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने वीडियो फास्ट कर दी ताकि आप बोर ना हो, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने दोनों चीज़ दिखानी थी, लेकिन देखें ये इस तरीके से फूलती जाएगी। मेरी एक कचौरी फट गई है बीच से, पर इसके आलू बाहर नहीं निकले, ये शुक्र है इस कचौड़ी का। देखें ये अच्छे से सिक चुकी है। इसको अच्छे से सेक लेना है हमने, करारा करना है एकदम। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। हम इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तल लेंगे, और प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर मारें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। देखिए हमारी कचौड़ियाँ फूलती जा रही हैं। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ी अपनी निकाल निकाल के रख लेंगे तल के।
देखें कितनी अच्छी फूल गई है मेरी कचौरियाँ। अब हमने सब्जी ऐड कर दी है, देखें बिल्कुल बाहर जैसी कचौरी और सब्जी। अब हम इसको करेंगे डोने में, एक कचौरी और थोड़ी सी सब्जी। देखें बिल्कुल बाहर जैसे स्टाइल में बनी है ये कचौरी हमारी। मेरे बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। देखें और ये देखें कितनी खस्ता कचौरियाँ बनी है, कितने अच्छे से टूट गई हैं। देखें ये सेम बाहर वाली कचौरियाँ हैं। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें अपने घर में। इंशाल्लाह आपके घर में भी इसको बहुत पसंद किया जाएगा। और ये एकदम खस्ता कचौरी है। तो अभी हम चलते हैं, इंशाल्लाह हम आगे फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।